महारानी साहब, आपके लिए दूसरी बार भोजन गर्म करके लाई हूँ। रख दो। महारानी साहब, काशी भोजन के बिना जीवित रह जा सकता है, परंतु महारानी साहब, एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, वो गुप्त कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनसे कह दो वो महाराज की प्रतीक्षा करे, हम अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। महारानी साहब, वो समर सिंह के बारे में कुछ बताने आया है। महारानी साहब, हम फिरंगियों के यहाँ चाकरी अवश्य करते हैं, पर कहा गए बच्चों का पेट जो भरना है, पर मुल्ला आत्मा नहीं मरी इसीलिए यहाँ है। आप हमें समर भाव के बारे में क्या बताना चाहते हैं? महारानी साहब, कुंदन जी की हत्या के बाद समर सिंह की सच्चाई सारे कैदी जान गए और वो सब इन फिरंगियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। सब कैदी विद्रोह के लिए तैयार है, बस आप आदेश दे दें तो हम सब। हमें एक बात बताइए, ये कुंदन सिंह किस कैदी के साथ रखा गया था? फतेह खान। फतेह खान। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। नहीं है। क्यों? रोजा है। रोजा? अरे रोजा हम जैसे गुनाहगारों का कबूल नहीं होगा, हमारे तो मुंह पे मार दिया जाएगा। इन्नल फता मा यकूलो अनासा, खुदा ये नहीं देखता रोजा कौन रख रहा है, खुदा रोजा रखने वाले की नियत देखता है। सुभान अल्लाह भाई, कौन हो तुम? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी साहब, आप हमने सुना है कुंदन को तुम्हारी इसी कोठरी में रखा गया था। जी हाँ, उसे इसी जेल में रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों के पंजों से सिर्फ उसे मौत छुड़ा सकती है। हम सब उनके रहमो करम पे पल रहे। ये भ्रम है तुम्हारा, मत भूल ये धरती हमारी है, इस पे उग रहा अनाज भी हमारा है। वो तो एक धूर्त फिरंगी हमारे इस अनाज को धोखे से सात समुंदर पार पहुंचा रहे, परंतु हमें ये सब रोकना है। फतेह खान बरसों से ले जा रहे हैं, ले जाते रहेंगे, कोई रोक पाया आज तक? आप अकेले क्या कर सकते हैं? क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि ये धूर्त फिरंगी हमेशा हमेशा के लिए हमारी धरती को छोड़कर चले जाएं? हाँ चाहते हैं, लेकिन एक अकेला फतेह खान क्या कर सकता? एक? तुम्हें इतने सारे लोग एक दिखाई दे रहे हैं फतेह खान। मत भूलो एक और एक 11 होते हैं, और जिस दिन हमने सबको अपना मान लिया वो दिन इन फिरंगियों के लिए इस धरती पर आखिरी दिन होगा। उस पाक बेनियाज का शुक्र है कि आपने यहां आकर इस बेगुनाह की आंखें खोली, लेकिन क्या करें, काश आप समर सिंह को बचा पाते। हम उन्हें बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे, और तुम सबको भी बचाएंगे। समर भाव को किस कोठरी में रखती है?
रुको। इस एरिया में सैनिक नहीं होते। तुम किधर जा रहे हो? सब तैयार यहाँ हो गए? हाँ सर, आप खुद ही देख लीजिए। दिवाकर, तुम साहब को लेके जाओ। साहब आप जाइए। महारानी साहब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, आप शीघ्र यहाँ से निकल लें। हाँ चलो। हमने इस पत्र पे समर भाव की सजा रोकने की अपील लिखी। कल सुबह होने से पहले इस पर सारे कैदियों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ले लीजिएगा। जी हम आपकी वही प्रतीक्षा करेंगे। समर भाव, हम आपको इन फिरंगियों की कैद से छुड़ा कर रहेंगे, अवश्य छुड़ा कर रहेंगे। तुम ये बात ध्यान से सुनो, महारानी साहब अपन समर भैया को बचाने खातिर ये कागज भेजे। ये कागज पर तुम सब आपन आपन अंगूठे का निशान लगा दो, और हाँ ये कागज लेके महारानी साहब अपन समर भैया को फांसी के फंदे से बचा लेंगे। ये लो फटाफट तुम लोग इस पे अंगूठा लगा दो। फिक्र है तन पे हो सर मेरा, न जान जाने का डर जरा, कटे सर मेरा तो गम नहीं। क्या करो, चलो चल अंदर। जो सर वतन पे उधार था वही सर वतन पे निसार है। तुम्हारे समर भाव शहीद होने चाहिए, उन्हें रोते रोते विदा करो। और एक बात याद रखना, हमारा बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।